के अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। ये 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया। मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसने अपनी गारंटी की बात नहीं की। उन्होंने मोदी साहब हमेशा, उनको आदत है झूठ बोलने की, तो इसीलिए मैं कभी और मौका मिला तो बोलूंगा उनके 10 बड़े झूठ कैसे हैं वो मैं बताऊं। ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है, दूसरा ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है, तीसरा जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे MSP गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ MSP को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे में रेलवे का तो ऐसा हो गया है ना इधर का ना उधर का, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया रेल डिपार्टमेंट तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है उसको ठीक करके सिग्नल वाला हों दो, अटेंड करने वाले हों दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हों दो, ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्हों दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि दो लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया, ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। आप ऐसा बताओ, आप किसको लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ, और आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे उनको। अब फिलहाल तो वो शायद, मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं, और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए,
तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है उन्होंने, इलेक्शन में के पहले की है गारंटीज की बात। अब इस बजट में तो उनकी गारंटियां दिख रही हैं, सब छुप गई। तो एक मोदी साहब हमेशा उनको आदत है झूठ बोलने की, तो इसीलिए मैं कभी और मौका मिला तो बोलूंगा उनके 10 बड़े झूठ कैसे हैं वो मैं बताऊं।